तो दोस्तों ये जो सामने आपको बिल्डिंग दिख रहा है ये इस बिल्डिंग का मेन गेट है और इसके बगल में ही यहाँ पे नेम प्लेट लगाया गया है जिस पे लिखा हुआ है त्रिशूल और इसी बिल्डिंग में बॉलीवुड के एक्टर ओम पुरी रहते थे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज के इस ब्लॉग में हम आपको दिखाने वाले हैं बॉलीवुड के मशहूर एक्टर में से एक ओम पुरी जी के घर को, जिन्हें लोग अमरीश पुरी के भाई के नाम से भी जानते हैं। तो वो आखिरकार मुंबई में कहाँ पे रहते थे और वो जहाँ पे रहते थे उस घर का क्या नाम है, उस घर का क्या लोकेशन है, अगर कोई आना चाहता है तो वहाँ पर कैसे आ सकते हैं, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊँगा और आपको दिखाऊँगा। इसलिए इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरीके के काफ़ी सारे और वीडियो लेकर आते रहते हैं और आप लोगों को दिखाते रहते हैं। तो यहाँ से पास में ही मात्र 100 मीटर की दूरी पे उनका घर है, तो अभी चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं ओम पुरी जी के घर के पास और ये जो सामने आपको बिल्डिंग दिख रहा है इसी बिल्डिंग में और बॉलीवुड के अभिनेता ओम पुरी रहते थे और आप लोग देख सकते हैं इस बिल्डिंग को और इस बिल्डिंग का पेंट होने वाला है। और यहाँ ही से ही आप जाएंगे तो हल्का सा आगे जाएंगे तो इसके मेन गेट के पास चले जाएंगे। तो अभी मेन गेट के पास चलेंगे लेकिन इस तरफ जो आपको रास्ता जा रहा है उसके सामने जो आपको एक दीवार दिख रहा है वो दीवार है बॉलीवुड के महान गायक और सोनू निगम जी का बंगला है। तो दोनों पास में ही है, सोनू निगम जी का बंगला और ओम पुरी जी का बिल्डिंग जो है जिसमें रहते थे वो। और इस तरफ आप जाएंगे तो ये इधर तो आप वर्सोवा बीच पे चले जाएंगे और यहाँ पे वर्सोवा बीच यहाँ से काफ़ी नज़दीक है, तो वर्सोवा बीच से इनके घर के पास आप बहुत आसानी से और बहुत जल्द आ सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं इनके मेन गेट के पास और वहाँ से आप लोगों को अच्छे से दिखाते हैं इनके घर को और आपको बताते हैं। तो दोस्तों फाइनली अब हम आ गए हैं ओम पुरी जी के घर के मेन गेट के पास और यहाँ पे जो देख सकते हैं यही इस घर का मेन गेट है और उसके बगल में यहाँ पे छोटा सा एक गार्ड रूम है और उसके जस्ट सामने जो आप लोगों को घर दिख रहा है उसका नाम त्रिशूल 2 है। तो इसमें पूरा बिल्डिंग का नाम तो त्रिशूल है लेकिन इसमें त्रिशूल 1 और 2 करके है, तो उनका जो सामने दिख रहा है वो 2 है और इस तरफ का जो भी बिल्डिंग आप लोगों को दिख रहा है इसका नाम त्रिशूल 1 है। और यहीं पे पास में ये जो रास्ता आप लोगों को दिख रहा है इसी रास्ते से हल्का सा आगे जाएंगे तो सोनू निगम के घर के पास जाने वाला है, हमने आप लोग को पहले ही बताया है। और दोस्तों आपको बता दें कि ओम पुरी काफ़ी गरीब फैमिली से थे जिसके कारण महज 6 साल की उम्र में चाय के दुकान पर काम करते थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी संघर्ष किए हैं और आप उनके संघर्ष के बारे में जानकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उन्होंने हद से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में संघर्ष किए हैं और अपने जीवन में आगे बढ़े हैं। दोस्तों बहुत से लोगों को लगता है कि ओम पुरी जी का भाई अमरीश पुरी है लेकिन उनका भाई अमरीश पुरी नहीं है। आपको बता दें कि ओम पुरी जी का जन्म हरियाणा के अम्बाला में हुआ था और उनके पिता का नाम राजेश पुरी था। दोस्तों ओम पुरी जी बचपन में चाय के दुकान पे काम करते थे और साथ में पढ़ाई भी करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा के बाद उन्होंने थिएटर अभिनय का अध्ययन करने के लिए दिल्ली में राष्ट्रीय नाटक विद्यालय में प्रवेश लिए और NSD के साथी जो दोस्त थे नासिरुद्दीन शाह वो ओम पुरी जी को पूना में भारतीय टेलीविज़न संस्था में अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किए और उसके बाद ओम पुरी जी चले भी गए। वे जिस कॉलेज में पढ़ते थे उसी कॉलेज में वे नौकरी भी करते थे। उसके बाद कुछ दिनों तक वे दीवाना थिएटर ग्रुप में काम करने लगे। उसके बाद ओम पुरी ड्रामा से पढ़ाई पूरी किए और फिर लगभग 1.5 साल तक स्टूडियो में अभिनय की शिक्षा दिया करते थे। उसके बाद ओम पुरी जी ने अपनी फिल्म अभिनय की शुरुआत मराठी फिल्म घासी राम कोतवाल से किए। उसके बाद 1980 में दूसरा फिल्म किए जिसका नाम आक्रोश था और वे फिल्म काफ़ी हिट रहा और उसके बाद उन्होंने काफ़ी फिल्म और किए जिसके बाद वो लोगों के बीच ओम पुरी जाने जाने लगे, जिसके लिए उन्हें काफ़ी सारे अवार्ड भी मिले और उन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। और दोस्तों उसके बाद 2017 में ओम पुरी जी का निधन हो गया और इसी बिल्डिंग से उनका अंतिम यात्रा निकाला गया था। तो गाइज कैसा लगा ये वीडियो? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।